नमस्कार दोस्तों, 12वीं पास और आईटीआई पास जिन बच्चों ने हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था और जिन बच्चों का रिजल्ट जारी हो चुका है, रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चे अपनी टोकन फीस भरना शुरू कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अपनी टोकन फीस भर दी और उनको अपडेशन कहीं से नहीं मिल रहा या उनके सामने वो रिसिप्ट नहीं आ रही है, तो किस प्रकार से टोकन फीस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि टोकन फीस वहां पे हुई है या नहीं हुई है। साथ ही में वो रजिस्ट्रेशन की फीस भी चेक कर सकते हैं। जब एडमिशन के दौरान फॉर्म फिल किया था तो वो रजिस्ट्रेशन की फीस थी, वो रजिस्ट्रेशन की फीस अपडेट हुई है या नहीं हुई है। साथ ही में जिन बच्चों की काउंसलिंग की जो स्टेटस रिपोर्ट थी, मींस काउंसलिंग की फीस का स्टेटस रिपोर्ट, वो भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट लिंक है जहां पे जाके आप गूगल क्रोम ब्राउजर में या गूगल में या किसी अदर ब्राउजर में आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, फिर अपना स्टेटस लॉग इन करें और लॉग इन करने के बाद जब आपका होम पेज आए तो वहां पे जाके किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ये आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में टैग admissionshry.gov.in वहां पे टाइप करें। टाइप करने के बाद उसको सर्च करें। सर्च बॉक्स में जैसे आप सर्च करेंगे किसी ब्राउजर से तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन रहने वाली है। ये जब स्क्रीन आए तो वहां पे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। जो कोर्स पे सिलेक्शन करोगे, कोर्स पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो तीन सामने ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री और डिप्लोमा फार्मेसी। तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री पे क्लिक करना है। इसके बाद इसके नीचे आपको बॉक्स मिलेगा रोल नंबर का, वहां पे अपना रोल नंबर टाइप करें, कैपिटल एल कैपिटल डी, और इसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग के दौरान दिया था वही यहाँ पे डालें, सिक्योरिटी कोड डालें और फिर आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका कंप्लीट स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। ये जब कंप्लीट स्टेटस आए तो यहाँ पे आपकी पिक्चर आएगी, यहाँ पे लिखा रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री और यहाँ पे वेलकम, वेलकम के आगे आपका नेम लिखा रहेगा और इस प्रकार से आपका वो होम पेज रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप वहां पे अपना स्टेटस चेक करेंगे, ये जो स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है इस स्टेटस पे आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी और वो जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो इस प्रकार की रहने वाली है। जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग फीस जो आपने भरी थी वो यहाँ पे दिखाएगा कि काउंसलिंग फीस भरी गई है या नहीं है। तो यहाँ पे यस है तो इट मीन्स आपकी भरी हुई है और वहां पे अपडेट भी है बोर्ड में। इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो भी आपकी यहाँ पे यस शो करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से चेक कर सकते हो। मेन जो आपको चेक करनी है कि अभी आपने टोकन फीस भरी और टोकन फीस भरने के बाद मीन्स 2500 रुपए आपने फिल किए टोकन फीस के, वो ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। यदि आपने भर दी तो वो यहाँ पे यस शो करेगा, मीन्स अपडेट हो जाएगी, यस शो करेगा। यदि आपकी वो पेमेंट आपने बैंक से कहीं से कटवा दी, कोई प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे नो दिखा रहा है तो बोर्ड की जो साइट है इस पे जाकर के आप टोल फ्री नंबर पे वहां पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वहां पे आप अपना स्टेटस अपडेट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप वहां पे 24 आवर्स का वेट करें, 24 आवर्स के बाद यहां पे ये अपडेट हो जाएगी, टोकन फीस और स्टेटस आपका यस आ जाएगा। जैसे एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन का स्टेटस आपको शो करेगा, जिसमें ब्रांच अलॉट हुई है, जिस कॉलेज में, और आपने टोकन फीस भी पे कर दिया तो एडमिशन का आपका स्टेटस आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी बच्चे अपनी जो टोकन फीस की पेमेंट है वो चेक कर सकते हैं, काउंसलिंग की फीस चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की फीस का स्टेटस, इन तीनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।